जनपद शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र के बहटा जंगल गांव में एक माह पूर्व रुआब सेठ की 14 वर्षीय पुत्री रोशमीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की थी। उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने के बाद सबको लटकाया गया था। पुलिस की विवेचना में हत्यारा भी कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी चाचा ही निकला। हालांकि पुलिस का यह वर्कआउट आसपास के लोगों के गले नहीं उतरा। 16 अगस्त को दिन के 4 बजे रुआब शेर को 14 वर्षीय बेटी रोशमीन का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे पर दुपट्टे से लटका हुआ शव पाया गया। उस समय मृतका के पति रुआब शेर ने पुलिस को सूचना देकर बताया था कि उसकी पुत्री बीमार है और मंद बुद्धि होने के कारण उसने घर के छप्पर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के पिता की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें रोशनी की मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या किए जाने का प्रमाणित हुआ है। इसी बीच मृतका के पति रुआब शेर ने रंजीशन गांव के दो नाबालिग भाइयों पर बेटी के साथ दुराचार करने के बाद हत्या कर शव लटका देने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या बताने वाले इस घटना को हत्या में तरमीम कर विवेचना शुरू कर दी। थाना मिर्जापुर प्रभारी निरीक्षक विवेचक सुधाकर पांडे ने बारीकी से की जांच। पड़ताल में पाया गया कि पड़ोस में रहने वाले रुआब शेर के चचेरे भाई माजिद ने रोशनीन को दुष्कृत प्रचारित करते हुए उसकी हत्या कर सबको उसी के दुपट्टे से घर में पड़े छप्पर पे लटका कर आत्महत्या का रूप दे दिया। यही नहीं, माजिद ने रंजीशन गांव के साधु यादव के दो नाबालिग पुत्रों रामू व रामवीर पर दुराचार कर हत्या का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए। इन सारे बिंदुओं पर प्रभारी निरीक्षक ने जांच पड़ताल शुरू करा तो मालूम चला कि रोशनीन इनकी हत्या ऑनर किलिंग के रूप में सामने आया। उसकी हत्या उसके चचेरे चाचा माजिद ने की है। पुलिस ने माजिद को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया है।